अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज भाई तकरीबन भी मैं 3 दिन के बाद वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, और कल भी मैं दवाई लेकर आया था। अभी जाके मेरी तबीयत सही हुई है तो मेरा दिल किया, मैंने सोचा कि वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। 2-3 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो आज मैंने कहीं जाना भी है किसी काम से भी, और दावत भी है वहाँ पर। फरहान आएगा तो जाएंगे, क्योंकि फरहान की तरफ से दावत और मेरे जो पहले के सारे दोस्त हैं जहाँ पर मैं पहले काम पे जाया करता था, आप सबने भी देखी है वो जगह। तो वहाँ से सारे के सारे लड़के जा रहे हैं और सेठ जा रहे हैं, तो मुझे भी बुलाया है तो मैं भी जाऊँगा। फरहान ने बोला था कि भाई तू भी चल तेरा, मैंने उनसे पूछा है तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं तैयार हो जाऊँगा, 7 बजे के टाइम पे निकल जाएंगे। अब वो आएगा तो हम जाएंगे। अभी तो फिलहाल लाइट गई हुई है, लाइट आएगी तो कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं मुझे। लाइट का इंतज़ार कर रहा हूँ, लाइट आए तो मैं कपड़े प्रेस करूँ और भी तैयारी करूँ जाने की। और भाई बाहर अभी 4 बजे का टाइम हो रहा है, बाहर का मौसम बिल्कुल सही है, गर्मी तो नहीं है, नॉर्मल मौसम है। और अभी स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो रही है, यहाँ पर कपड़े भी सुखाने के लिए लटकाए हुए हैं। 2 दिन से कपड़े धुल रहे हैं, नेहा और पापा दोनों मिलकर धो रहे हैं। और ये नेहा यहाँ पर बैठी हुई है, इसको मैंने कल से नहीं बताया है, अभी अभी उठी है, सो रही थी। हाँ, हाँ, मैं उठी हूँ, कल हाथ मुंह फरहान धोया मुझे है। सीक्रेट तरीके से बता रहा था और इसको मैंने नहीं बताया कि मैं जा रहा कहाँ, और अभी भी नहीं बताया। वैसे जा कहाँ रहे हैं आप? इतने खुश हैं, तैयारी कर रहे हैं, अभी कपड़े भी इस्त्री करने का बोल रहे हैं, करूँगा। खुशी तो नहीं है लेकिन तफरी आएगी ना, दोस्त हैं सारे मेरे। हाँ, ये तो है, असल में लेकिन मैं वहाँ जा जाएंगे रहा कहाँ? हूँ जहाँ पे मैं काम पे जाता था ना पहले, जी अब वहाँ के सारे लड़कों ने और उनके सेठ ने मिलके प्लान बनाया कि सारे पुराने लड़कों को बुलाएंगे और नए लड़कों को घूमने जाएंगे, घूमने नहीं बल्कि खाने पीने जाएंगे। हाँ, अच्छा, मतलब के दावत पे जाओगे सब मिलके ना, अपनी खुद की दावत हम सब मिलके सब करेंगे। लड़के खाने पीने जाएंगे, ऐश करके वापसी आ जाएंगे। हाँ, घूमो फिरो, ऐश करो, कपड़े इस्त्री करो, नहाओ धो, तैयार हो। हाँ, तो ऐसे ही होते हैं और कैसे होते यही होता है भाई। तो अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है और भाई ने जो है ना सबसे पहले अपनी शर्ट उठाई है, शर्ट इस्त्री करने लग गए। फिर बोलते हैं कहीं ऐसा ना हो लाइट चली जाए तो फिर मेरी शर्ट रह जाएगी, तो लाजमी मैंने अभी शर्ट इस्त्री करनी है। और पापा वहाँ पीछे जो है कपड़े धो रहे हैं, जैसे ही कपड़े धुल जाएंगे ना उसके बाद में कपड़े सुखाऊंगी। और जो है ना बस थोड़े से ही कपड़े रह गए मैंने, कुछ कपड़े हाथ से धोने। चलें जल्दी जल्दी शर्ट इस्त्री करें, अच्छे से काम पे लगें, अच्छी अच्छी शर्ट इस्त्री करना कड़क। होती चलें फिर भी कोशिश करें, लगना नहीं चाहिए किसी भी बंदे को के लड़के ने इस्त्री की है बेकार। तो ये देख सकते हैं अभी आप, भाई जो है अच्छे से तरीके से नहा के आ चुके हैं और अब देखें कितने साफ सुथरे लग रहे हैं। पहले भंगियों की तरह घूम रहे थे, अजीब से लग रहे थे, अभी नए कपड़ों में आ गए ना, हुलिया सुधर गया आपका, अब अच्छे लग रहे हो। है। हाँ, अभी मेरे को जल्दी जल्दी से तैयार होना है क्योंकि फरहान पहुंचने वाला है 15-20 मिनट है। मुझे अभी अपने जूते भी पॉलिश करने हैं जल्दी जल्दी से, अभी तो मैं चले, नहा मेकअप के आ रहा शेकअप का हूँ। तो कोई सिस्टम होता नहीं लड़कों का, आप जल्दी तैयार हो जाएंगे। नहीं, मेकअप शेकअप तो नहीं करना, खाली वो लोशन लगाना है, सर्दी हो गई ना, हाथ खुशक हो गए, हाँ, क्योंकि बाहर हवा बहुत होगी रास्ते में। मुंह भी खुशक होने लग गया। चलें ठीक है, आप तैयार हो, मैं रोटी पकाती हूँ, आप तो खाना खाएंगे नहीं, हमने तो खाना ही है। नहीं, मैं तो दावत पे जा रहा हूँ, वहीं खाऊंगा। और अभी मैं जूते प्रेस करने हैं, मेरे को जूते पर वो जूते प्रेस पॉलिश करने। पॉलिश करने है मेरे को। हाँ चलें, पॉलिश करें आप जूते। यहाँ जो तमाम कपड़े पड़े हुए थे सारे के सारे धुल गए हैं, बस ये थोड़े से रह गए हैं। इसमें बेडशीट और चारपाई के चादर वगैरह, तकिया वगैरह हैं। और यहाँ जो बोतलें पड़ी हुई हैं ये वो बोतलें हैं जो हमने रिजेक्ट कर दी हैं, यानी कि फ्रिज में से जो ख़राब बोतलें थी वो हमने बाहर निकाल दी और फ्रिज में आ गई हैं नई बोतलें। और नेहा यहाँ खड़ी हुई है इस वक्त, रात के खाने की तैयारी कर रही है। तो आज मेरे ख्याल है हम नेहा और मैं ही खाएंगे क्योंकि अदनान जा रहा है आज कहीं बाहर, और ये अपनी बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे ख्याल है आज ये बाहर से ही कुछ खा पी कर आएगा। मैं दावत में जा रहा हूँ, वहीं पे खा पी के आऊँगा, सारे हम दोस्त जा रहे तो हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे का, किस टाइम जाओगे और कब तक लगाओगे फिर? वापसी का तो पता नहीं किस टाइम आए, लेकिन अभी फरहान आएगा तो हम दोनों जाएंगे। अच्छा, यानी कि अभी फरहान आएगा, हाँ बात हो गई उससे फ़ोन आ पर? रहा है, वो रास्ते में ही है। चलें ठीक है, अदनान भी चला जाएगा और हम फिर खाना खाएंगे।
भाई फरहान ने मुझे बोला था कि मैं लेट हो जाऊंगा आते आते, तो डायरेक्ट ही इधर आ जाइयो। अभी 7:45 का टाइम हो रहा है और फरहान अभी अभी आया है, मैं पहले से आके खड़ा हूँ। सलाम वालेकुम। इतनी लेट क्यों हो गया भाई? असल में हम लेट हो गए थे तो इसी वजह से स्टॉप पे आया हूँ मैं, काम से लेट आया था। अच्छा, अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, बस का इंतज़ार करते हैं, फिर जाना भी है। 8 बजे पहुँचना है ना उधर? 8 बजे पहुँचना है, टाइम ज़्यादा हो रहा है। हाँ बस मैं भी फुल तैयार हूँ। ये भाई भाई का लुक है, माशाल्लाह देख सकते हैं कैसा लुक है। और अभी हम जा रहे हैं और ये माशाल्लाह प्यारा लुक लग रहा है। और अभी चलते हैं और आपको मिलते हैं हॉल में जाके। जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, बस का इंतज़ार कर रहे हैं अभी तो फिलहाल। चलो ठीक है। भाई अभी फाइनली मैं और फरहान यहाँ पर हाल पर पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पर अंदर जाएंगे। पहले हम लोग तो अंदर जाके वापसी आ गए, अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं आया। फरहान के पास अभी कार भी आई थी, वकास भाई की, वकास हमारा दोस्त है, उसकी कार भी आई थी, अभी तक तो वो आया नहीं है। अब उसका वेट कर रहे हैं, अंदर जाते हैं आप सबको भी दिखाते हैं कि कैसा हाल है। अभी दोस्त तो हमारे आए नहीं हैं, अकेले ही देखेंगे हम दोनों। भाई क्या बोलते हैं भाई? अभी यहाँ से अंदर जाते हैं, मैं जाता हूँ ऊपर, सबसे पहले ऊपर वाली सीढ़ी पे। ऊपर वाले, ऊपर का तो पता नहीं, ऊपर जाना है कि नहीं जाना। ऊपर तो खाली है, ये देखें कोई भी जगह नहीं है ऊपर जाने की। नीचे ही जाते हैं हम लोग, फरहान उधर खड़ा हुआ है, ब्लॉग भी बना रहा है और बार बार फ़ोन भी कर रहा है कि ये पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। भाई अभी हम हाल के अंदर आ चुके हैं और माशाल्लाह से हाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बलून्स लगे हुए हैं यहाँ पर, लाइटें भी हैं और फुल एसी है। फरहान यहाँ पे सुकून से बैठ चुका है, अभी फ़ोन किया था हमने, वो आ रहा है थोड़ी देर में। और ये जो पार्टी रखी है, ये हमारा एक करीबी दोस्त है वकास भाई, उसने दिए हम सारे दोस्तों यारों को। इनमें से कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता, बाकी तो खैर सबको ही जानता हूँ। अब वो आएँगे तो पता चलेगा कि किस टाइम आते हैं वो। तो अभी भाई सबके सब आ चुके हैं, कुछ लोगों का इंतज़ार है, वो लोग आएंगे तो आगे ये पार्टी बढ़ेगी और फिर ये भाई साहब अपना भाषण देंगे। इन्होंने जो देना है भाषण, ये वैसे तो मेरे दोस्त ही है इसलिए बोल रहा हूँ भाषण। ये इसका नाम है वकास, ये कोई ऐप चलाते हैं, लोग कमाते हैं उससे, तो उस वजह से ये सारों को बुलाया। ये सारे मेरे दोस्त हैं इस टेबल पे। अभी सबके सब आ चुके हैं और वकास भाई स्पीच देने के लिए खड़े हो गए हैं और सबको दे रहे हैं। इसके आगे मैं वॉइस ओवर नहीं कर रहा। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसको ज्वाइन करने के बाद आप अपनी जिंदगियों में नुमाया तब्दीली महसूस करेंगे। जैसा कि आज यहाँ पर जो मेरे टीम मेंबर्स और दोस्त जो आरआरटी पे काम कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और इनकी जिंदगी में नुमाया तब्दीलियां भी नजर आ रही हैं, तो बात करने का मकसद इन लोगों को इस प्लेटफॉर्म की फायदियत समझाने का है, जिन्होंने अभी तक आप में से, जैसे आप में से जिन्होंने अभी तक इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया। वी भाई माशाल्लाह से खाना खुल चुका है और यहाँ पर मेरे सारे के सारे दोस्त बैठे हुए हैं। फरहान भी निकाल रहे खाना, ये लोग भी सारे लड़के निकाल रहे हैं। खाने में माशाल्लाह से पुलाव है और चिकन कौरमा है और सबके सब यहाँ पर देखें आ चुके हैं और ये सब के सब फ़ोटोशूट भी करा रहे हैं खाना खाते हुए। फ़ोटोशूट हो जाएगा, फिर खाना खाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे जाना है कि नहीं। अभी माशाल्लाह से सब ने खाना खा लिया है, पेट भर के मैंने भी खा लिया है और यहाँ पर इन सब की फ़ोटो खींच रही है वकास भाई की और ये सारे इनके दोस्त हैं बड़े बड़े। और अभी भी फरहान और मैं थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। भाई मैं अभी वहाँ इवेंट से घर पर आ चुका हूँ और अभी अभी आया हूँ, तकरीबन भी 11:15 का टाइम हो रहा है और वहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब के पेट भर के खाया है। इतना मैं आ गई है अब चले। मैं ये पूछने आई हूँ कि क्या क्या खाया आपने वहाँ पर? खाया कोरमा था, मुर्गी का कोरमा था और पुलाव थी बकरे की। अकेले अकेले खाकर आ गए और हमने देखा यहाँ पर क्या खाया, अंडा खाए, दाल खाया।
अपने अपने नसीब का खाता है हर इंसान। अब मुझे कोई पता था मैं आज यहाँ पे चले जाऊंगा, हम अंडा दाल खा रहे हैं यहाँ बैठ के और खुद अच्छा अच्छा माल खा के आ रहे हैं। वाह भाई, वो कोई अपने पैसों का कोई खा कर आया, वो तो दावत थी सारे लड़कों की। हम लोग गए, उन लोगों ने भी अपना खाया, हमने भी अपना खाया, थोड़ा टाइम पास किया, बातचीत की और फिर अपने अपने घर आ गए। चलें खैर कोई बात नहीं, हाँ कभी कभी तो एंजॉय करने का मौका मिलता है फ्रेंड्स के साथ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।